केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 दिसंबर को रीवा सीधी सड़क मार्ग पर स्थित मोहनिया टनल का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर 2443 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में तैयारी बैठक पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर मनोज पुष्प की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित तैयारी बैठक में मंच व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था तथा हेलीपैड सड़क मार्ग व्यवस्था के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। कार्यक्रम के दिन रीवा से सीधी आवागमन को रोकने के संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्ग का चयन कर निर्धारण करें ताकि आमजन को तत्संबंध में सूचना प्रसारित कराई जा सके। बैठक में अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में दायित्व कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों को सौंपे गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टनल के लोकार्पण के उपरांत बरसैता में आयोजन स्थल में बनाए गए मंच से केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान आमजन को संबोधित भी करेंगे। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर एवं विवेक लाल, अपर कलेक्टर सैलेन सिंह, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, एनएचएआई के संभागीय प्रबंधक संजय बांझल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। होने वाला निरीक्षण किया गया था, किस तरह का कार्यक्रम है? और देखिए, रीवा जिले में एक बहुत ही बड़ी सौगात रीवा जिले के लिए रीवा सीधी मोहनिया टनल के रूप में मिल गई है, जिसमें कि माननीय हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के आने की इसमें पूरी संभावना है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने का कार्यक्रम है। 10 तारीख को ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चे से रीवा सीधी के बीच में 2.3 किलोमीटर का ये टनल बनाया गया है, जिसने कि 25-30 किलोमीटर की दूरी को कम किया है, समय को कम किया है। जहाँ पहले हमको सीधी जाने के लिए 2.5-2 घंटे का समय लगता था, अब केवल हम लोग 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात दोनों जिलों के लिए है और इसी के लिए परिवहन मंत्री जी का आगमन हो रहा है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। उसी की तैयारी की समीक्षा कमिश्नर महोदय, आईजी महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीधी जिले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने भ्रमण किया है। दोनों जगहों पर कार्यक्रम होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय अतिथिगण और फिर इसके पश्चात जी। हाँ जी, टनल कंप्लीट है, टनल आम जनता के लिए अभी चालू हुई है, उसको सार्वजनिक तौर पे बेहतर ढंग से जनता के लिए जो लोकार्पण का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम होगा और फिर इसके पश्चात अधिकृत रूप से टनल का शुभारंभ होगा।